ये और अपना कार वॉश। बेसिकली आज अपना प्लान है गाड़ी पे सिरामिक कोटिंग करने का। तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। दिस इज़ द टर्टल का सिरामिक स्प्रे कोटिंग। तो अपन ने सोचा सिरामिक कोटिंग करते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो पूरा वीडियो में बना के डिटेल में शेयर करने वाला हूँ। अब आप देखो यहाँ पे, इफ़ यू पुट वाटर हेयर, यहाँ पे देखो पानी रिटेन हो रहा है। आफ्टर डूइंग सिरामिक कोटिंग कैसे वाटर बीडिंग इसकी प्रॉपर्टीज़ इम्प्रूव हो जाती हैं, सरफेस क्या होगा, स्मूथ हो जाएगा, जिस वजह से पानी रुकेगा नहीं, सब निकल जाएगा। तो वील मेक अ वीडियो, पूरा प्रोसेस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो स्टे ट्यून्ड एंड कार वॉश कर लेते हैं। कार वॉश करने के बाद ये शुरू करते हैं। देखो बेसिकली कार को वॉश करने का आइडिया ये है, कार अच्छे से वॉश हो जाएगी। इसको हम न्यूट्रल शैम्पू से, यानी कि pH न्यूट्रल जो शैम्पू होता है उससे वॉश करने वाला है। वाटर 3M का शैम्पू। आई एम गोइंग टू यूज़ दैट फॉर क्लीनिंग दिस। सो आइडिया बेसिकली ये होता है, कार को शैम्पू से वॉश करके जितनी भी डस्ट है, डर्ट है, इम्प्योरिटीज़ हैं, वो सारी निकाल दी जाएँ। और अगर कहीं पे आपके स्क्रैचेस हैं तो उसके लिए अपन रबिंग कंपाउंड यूज़ करने वाले हैं, जो मेगुआयर का अपने पास है। रबिंग कंपाउंड यूज़ करने के बाद वी आर गोइंग टू क्लीन दिस कार ऑफ। उसके बाद सिरामिक का काम शुरू करेंगे आफ्टर ड्राइंग द कार। किसी भी प्रकार की कोटिंग करने से पहले कार वॉश एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो जाता है, एज इट हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग ऑल काइंड ऑफ डर्ट, डस्ट एंड इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम योर कार सरफेस। एक क्लीन सरफेस पे सिरामिक कोटिंग जो आप करोगे, उसके पॉलीमर्स की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। सो दिस इज़ मी कपिल तनेजा, दिस इज़ सुखदीप। फाइनली कार वॉश हो गया है। भाई ने बहुत मेहनत करी है मेरे साथ। देखो, तुम्हारे को भी ना एक ऐसा दोस्त होना चाहिए जीवन में जो तुम्हारी एक्टिविटीज़ में तुम्हारा साथ दे, तुम्हें मज़ा आ जाए। तो ये हो गई कार वॉश। फाइनली अब अपना टाइम है क्या करने का, मैं आपको दिखाता हूँ क्या करेंगे वो अपन। तो जी, कार वॉश के बाद प्रोसेस है, ये मेगुआयर्स का कंपाउंड है एंड पॉलिश है, और ये फोम एप्लीकेटर है। तो बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर इज़, कंपाउंड पूरी गाड़ी पे यूज़ करेंगे ताकि जो एक कंपाउंड का काम होता है, बेसिकली सैंड पेपर की तरह हल्का 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 घिस देगा जहाँ जहाँ स्क्रैचेस होंगे। उसके बाद पॉलिश का काम होगा, वो और फाइन कर देगा, सारी जो सरफेसेस को स्मूथ कर देगा। ये करने के बाद अपन यूज़ करेंगे अपना फाइनल प्रोडक्ट विच इज़ सिरामिक कोटिंग। बेसिकली 12-15-18 हज़ार रुपये लोग लेते हैं सिरामिक कोटिंग के। तो अपन ने सोचा अपन घर पे खुद करने वाले हैं, सिरामिक कोटिंग करेंगे अपन। एंड आई विल शेयर एवरीथिंग विद यू। थोड़ी सी टेंशन हो रही है यार, धूप निकल के आ रही है, तेज़ धूप होने वाली है, लेकिन अभी तक यहाँ पे नहीं आई है। डायरेक्ट सनलाइट में आप ये काम नहीं कर सकते, एंड वी आर ट्राइंग टू अवॉइड डायरेक्ट सनलाइट में। बेसिकली ये जो कंपाउंड है ना मेगुआयर्स, कंपाउंड का क्या काम है, इसको एप्लीकेटर पे लगा के अपन यूज़ करने वाले हैं। मैं आपको डिटेल में दिखाऊँगा पूरा ये प्रोसेस कैसे होगा। तो यहाँ पर स्क्रैचेस हैं, माइनर से एज यू कैन सी, ये स्क्रैचेस वगैरह सारे निकल जाएंगे। यहाँ पर ये भी स्क्रैच है क्या, आई थिंक ये भी स्क्रैच है, यहाँ पे स्क्रैच है। तो मल्टीपल जगह पे स्क्रैचेस हैं। यहाँ पे कुछ ये है, देखो ये निकलेगा क्या, नहीं, तो ये मल्टीपल स्क्रैचेस हैं। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें अपन क्लीन करेंगे। इस पर्टिकुलर सेक्शन को कर रहे हैं, दिस एरिया कंपाउंड से। उसके बाद आप देखना कंपाउंड से काम करने के बाद क्या इफ़ेक्ट होता है। ये बेसिकली एप्लीकेटर पैड है, वेव एक्स का अपन ने ख़रीदा है। इस पर अपन ने लगाया कंपाउंड। अब क्या है, इस कंपाउंड को लगा के आपने रबिंग करनी शुरू करनी है। ओवरलैपिंग होगा, इस तरीके से आप इसको अप्लाई कर रहे हो। और ऐसा नहीं है कि आपकी क्लियर कोट को ख़त्म कर देगा, घिस देगा, बिकॉज ऑब्वियसली ये कंपाउंड है कि ये ग्रेगमार का काम कर रहा है, फाइल का काम कर रहा है। ये आपकी क्लियर कोट को थोड़ा सा मैनेज कर देगा। बट ये देखो, क्लियर कोट सेफ यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो बेसिकली आपके क्लियर कोट को नुकसान नहीं होने वाला है। सो बी टेंशन फ्री अबाउट इट एंड इस प्रोसेस को चालू रखो। देखो यार, कंपाउंडिंग अपन ने यहाँ पे कर दिया है, हाफ पोर्शन पे। ये एरिया भी नहीं किया है। ये जो सरफेस है, आप कंपाउंडिंग जब करोगे यू विल फील सरफेस जो है स्मूथ हो गई कंपेयर टू दी अदर सरफेस जो आपने कंपाउंड नहीं करी। तो आपको समझ आया कंपाउंडिंग अच्छे से काम करिए। जो बहुत ज़्यादा डीप स्क्रैचेस होंगे वो नहीं जाएंगे, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, क्योंकि आप कंपाउंडिंग जो कर रहे हो वो हाथ से कर रहे हो, एप्लीकेटर पैड से। DIY एक्सेसरी अगर आप लेना चाहते हो तो बफिंग का ना एक वो बफर आता है, वो इलेक्ट्रॉनिक होता है, वो वाइब्रेट करता है, वो बफिंग करता है, वो बहुत अच्छे से बफिंग करता है। और ये जो आपका पैड है ये गिरा है क्या? मेरा मेरे से गिर गया होगा। नहीं मेरे से ही। अब देखो ये मेरे से गलती से गिर गया भाई, मेरे को गुस्सा भी हुआ है। इसको थोरोली वॉश करके यूज़ करते तो अब इसको मैं ऐसे यूज़ नहीं कर सकता, इसको थरो वॉश करना है उसके बाद ही आप यूज़ करोगे। इस चीज़ का ध्यान रखना। कंपाउंडिंग करते हुए आपको फोम पैड पे प्रेशर अप्लाई करके रखना पड़ेगा जिससे स्क्रैचेस आपके रिमूव हो जाएं। साथ में क्लीन माइक्रोफाइबर टॉवल रखिए, कंपाउंडिंग करते करते साथ साथ क्लीन करते चलिए उसको, आपको खुद को फील होगा कि आपकी सरफेस स्मूदन आउट हो रही है। पॉलिशिंग इज़ अ नेक्स्ट स्टेप फॉलोड बाय कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग जो है आपके स्क्रैचेस रिमूव करता है एंड पॉलिशिंग विल स्मूदन आउट द सरफेस। जो आपका क्लियर कोट है उसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा स्मूद हो जाएगा। उसके बाद वी कैन प्रोसीड फॉर द थर्ड एंड द फाइनल प्रोसेस विच इज़ सिरामिक कोटिंग। भाई तो फाइनली वी आर डन विद कंपाउंडिंग एंड पॉलिशिंग। धूप अभी तक बचे हुए हैं, धूप यहाँ तक आई है लेकिन गाड़ी तक नहीं आई, गाड़ी हमारी शेड में ही है। तो बेसिकली कंपाउंडिंग पॉलिशिंग हो गई, अब टाइम है सिरामिक करने का। विल डू सिरामिक स्प्रे कोटिंग नाउ। उसके बाद आपको मैं वाटर बीडिंग दिखाता हूँ कितना डिफरेंस है। पहले आपने फुटेज देखा वाटर बीडिंग का और अब वाला दिखाऊंगा। नाउ सिरामिक करने के लिए इट इज़ रिकमेंडेड आप एक पैनल पे 2 स्प्रेज करें, लेकिन अगर आपका पैनल का साइज़ बड़ा है यू कैन डू मोर स्प्रेज। स्प्रे करने के बाद आपको क्लीन टॉवल से, ड्राई टॉवल से सिरामिक को क्लीन करना है, वाइप ऑफ कर देना है ताकि कोई भी स्मजेस एंड मार्क्स ना रह जाए। दिस इज़ अ हनी कोम स्टाइल मेश। इसमें मैं टूथब्रश यूज़ कर रहा हूँ। आई फॉरगॉट टू बाय ब्रश। अगर आप कर सकते हैं मेक श्योर एक डिटेलिंग ब्रश होता है छोटा सा जो इसके अंदर जाके क्लीनिंग कर सकता है वो ले लो, क्योंकि आपको जनरल डे टू डे क्लीनिंग में भी काम आएगा। मैंने बहुत सारे कार वॉश वाले देखे, वो क्या करते हैं जल्दी जल्दी का काम करने की कोशिश करते हैं जो डिटेल में जाके कि एलॉय व्हील को अंदर से साफ़ करना है, इस मेश को अच्छे से साफ करना। नोबडी विल डू इट फॉर यू। या तो आपको खुद करना पड़ेगा या उनके सर पर बैठ के कि भाई वॉट एवर योर चार्जेस मुझे ये काम चाहिए, इस तरीके से करके दे सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आई विल डू इट माई सेल्फ। नाउ ये जो सिरामिक कोटिंग है ये प्लास्टिक, ग्लास, मेटल सबके लिए सेफ है। तो बेसिकली व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ मैं अपनी विंडशील्ड पे भी लगाने वाला हूँ। मैं पीछे कर चुका हूँ सारी चीज़ पे। कोई भी मेक श्योर कोई भी आप पैनल ना छोड़ो, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल हर पैनल को आप कवर करने वाले हो विद दिस स्प्रे। कोई भी पैनल मत छोड़ो। बेसिकली क्या हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी हो जाती हैं इसकी, जो कि मैं अभी आपको टेस्ट भी करके दिखाने वाला हूँ। एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन मेंटेनिंग एंड क्लीनिंग योर कार। सी ये अप्लाई किया एंड इसको मैंने क्लीन कर दिया, बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना। ये जो सिरामिक कोटिंग अपन ने यूज़ करी इसका क्योरिंग टाइम 24 आवर्स का है। क्योरिंग टाइम का मतलब है 24 घंटे लगभग लग जाते हैं फॉर द सिरामिक पॉलीमर्स टू बॉन्ड प्रॉपरली विद ईच अदर। 24 घंटे के बाद अगर आप एक और कोट करना चाहें कर सकते हैं, उससे आपकी जो सिरामिक की लाइफ है वो 12 मंथ्स तक की हो जाएगी। नाउ फाइनली कोटिंग हो चुकी है। आप देखो वाटर बीडिंग कैसे होती है। सी पानी रुक नहीं रहा है, पानी नीचे आ जा रहा है। दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ डूइंग सिरामिक कोटिंग ऑन योर कार। सो दिस इज़ द फाइनल प्रोडक्ट। कैन यू सी ग्लॉस में एक डिफरेंस आ चुका है। वाटर देखो वाटर बीडिंग का ही होता है। देखो ये ड्रॉपलेट्स बन गए हैं, पानी फैल नहीं रहा है क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक हो गया है सरफेस, विच इज़ समथिंग वेरी नाइस। मैंने सारे पैनल्स को ग्लास पे, मेटल पे, प्लास्टिक का बम्पर है वहाँ पे, सब जगह सिरामिक कोटिंग की है। सो दिस इज़ द लेबर ऑफ आवर लव। दिस इज़ मी कपिल तनेजा साइनिंग ऑफ।